क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि वॉक से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं होता, और पूरे एक्सरसाइजों के बीच में एक ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसे हर एक एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। वॉक मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, वॉक के बड़े सारे फायदे हैं। और बहुत सारे फायदे आप लोगों को भी पता होगा कि वॉक करने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आने लगता है। तो अब ये वॉक मैं अपने यंग जनरेशन को बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले करवाने जा रहा हूँ। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं करवा रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग, तो वॉक क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जरूरी चीज ये होता है कि आप डिसिप्लिन में आ जाएं। और वॉक से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है किसी भी इंसान को डिसिप्लिन में लाने के लिए। और वॉक ही एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे ऑल ओवर बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, जिससे कि मसल बहुत अच्छी तरह से वार्म अप होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बढ़ती है। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में वॉक रिलेटेड एक दो बातें करना चाहूंगा और कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा जो आप वॉक करते समय में ध्यान दें। जैसे कि मैंने पार्क में देखा है बहुत सारे लोगों को कि वॉक करना स्टार्ट करते हैं और वो सीधा फास्ट वॉक करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आप वॉक जब भी स्टार्ट करें तो पहले 10 मिनट कम से कम समय दें अपने ज्वाइंट्स को, अपने मसल्स को वार्म होने के लिए, जिसमें कि आप स्लो वॉक करें। 5 से 10 मिनट आपको स्लो वॉक करना है, उसके बाद आपको फास्ट वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिंदर सिंह, आपका अपना फिटनेस एक्सपर्ट, अपने इस वीडियो में लेके आया हूँ कि आप परफेक्ट वॉक कैसे स्टार्ट करें। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने छत पर आ रखा हूँ और मेरे पास ये 10 कदम का जगह है। तो आपको भी ऐसा नहीं कि आप वॉक करने के लिए किसी गार्डन में जाएं। अगर गार्डन जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो आप अपने छत पर या अपने घर के आगे आपको सिर्फ 10 कदम जगह चाहिए, जहां जाना आना करते हुए आप 10-20 मिनट तक फास्ट वॉक और स्लो वॉक कर सकते हैं। जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात ये कि आपका दोनों हाथ स्ट्रेट रहे। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि अपने पेट को खींच के रखें, सीना बाहर निकाल के सांस रोक के वॉक करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको जो करना है, आप बिल्कुल नॉर्मल वॉक के टाइम में आप अपने सांसों को वैसे ही लेंगे जैसे एक छोटा बच्चा सांस लेता है, कि आप हल्की हल्की सांस लें और हल्की हल्की सांस को छोड़ें। जैसे सांस जब हम खींचेंगे तो हमारा पेट फूलेगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, यानी नॉर्मल ब्रीथ लेना है आपको। दस मिनट के बाद आपको करना है ब्रिस्क वॉक। तो ब्रिस्क वॉक में आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करें तो आपका पेट थोड़ा सा अंदर की ओर चला जाएगा, सीना थोड़ा बाहर आ जाएगा और आपके दोनों हाथ इस तरह से मुड़ जाएंगे, जिसमें कि आपको अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट शोल्डर आगे आएगा, अगर हम राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट शोल्डर आगे आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा अपने स्पीड को तेज कर देंगे। ये ब्रिस्क वॉक है जिसमें आपका एक हार्ट रेट मेंटेन होता है, थोड़ा पल्स रेट आपका हाई हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 मिनट अगर उनको अगर फास्ट वॉक करना तो पूरे 20 मिनट जान लगा के वॉक कर रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बीच बीच में आपको स्लो वॉक भी अप्लाई करना है, कभी स्लो कभी फास्ट। आप 30 सेकंड स्लो कर लीजिए, फिर आप 1.5 मिनट फास्ट कर लीजिए। आप इस तरह से अपने वॉक को एक मोमेंटम में ला सकते हैं। Thank you.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि ज्यादातर लोग रात के खाने के बाद वॉक प्रेफर करते हैं, वो रात के खाने के बाद लोग वॉक पे जाना पसंद करते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप रात में खाना खाने के बाद वॉक पर जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो जो ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो सारे ऑक्सीजन हमारा खाना पचाने में यूज हो रहा है। और अगर हम तुरंत वॉक पे निकलेंगे तो ऑक्सीजन हमारे मांसपेशी यूज करेगा, तो उस समय में दिक्कत आ सकती है, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ सकता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद आप वॉक पे ना जाएं, कम से कम 30 मिनट आप रेस्ट लें, कहीं बैठ जाएं, उसके बाद आप वॉक के लिए निकलें, तो ये आपके लिए ज्यादा लाभदायक और ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको कोई डिजीज है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या आपका बीपी लेवल हाई है, तो कृपया करके अपने डॉक्टर से पूछ करके ही आप वॉक स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हो सके तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचता रहे। धन्यवाद।